तो फ्रेंड आज हम लोग सीखेंगे विंडोज 7, 8 या 10 को ऑनलाइन एक्टिवेट कैसे करते हैं बिना किसी सॉफ्टवेयर के। तो एक बार हम लोग आपको दिखा दें मेरा विंडोज़ एक्टिवेट है या नहीं, एक बार आप लोग देख लीजिएगा ताकि कंफर्म हो जाए। देखिए मेरा विंडोज़ अभी एक्टिवेट नहीं है, तो इसी को अभी हम लोग एक्टिवेट करेंगे ऑनलाइन विदाउट एनी सॉफ्टवेयर। तो पहले अभी चलिए क्रोम ओपन करते हैं। तो देखिए क्रोम ओपन हो गया है, अब यहाँ पे लिखेंगे bit.ly, BIT bit.ly। जैसे लिखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक इसका लास्ट का पूरा हो जाएगा, देखिए आ गया। तो इसके ऊपर हम लोग क्लिक करके ओपन कर लेंगे, और पहला लिंक जो है इसको ही इसका ऊपर क्लिक करेंगे और किसी पे नहीं। फर्स्ट लिंक जो आएगा इसका ऊपर क्लिक करके हम लोग इसको ओपन कर लेंगे। देखिए ये इंटरफेस खुलेगा, इसको हम लोग कंट्रोल ऑल से कॉपी कर लेंगे और कंट्रोल ऑल से सेलेक्ट और करके कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे डेस्कटॉप पे कहीं भी राइट क्लिक करके न्यू टेक्स्ट में क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, इसको बस ओपन करना है फाइल को। फाइल ओपन करने के बाद इसको पेस्ट कर देंगे, और पेस्ट करने के बाद हम लोग फाइल में जाके यहाँ पे सेव एज करेंगे। सेव एज करने के बाद कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे हम WIN डाल दिए, लेकिन लास्ट में .cmd देना ज़रूरी है, नहीं तो काम नहीं होगा। .cmd करके सेव कर देंगे, ठीक है। इसको कट करके देखिए ये हम लोग का एक तो फाइल ओपन हो गया, क्रिएट हो गया। इसके ऊपर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके हम लोग को कुछ नहीं करना, छोड़ देना है। आगे का काम ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम टेकन है, तो चलिए इंतज़ार करते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसी कुछ आईटी कोई भी किसी भी आईटी सॉल्यूशन के लिए अगर कुछ भी हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, वहाँ पे उसका ऊपर हम वीडियो बना देंगे। तो देखिए ये एक्टिवेट सक्सेसफुली बता रहा है, और यहाँ पे एंड प्रेस करेंगे और ये ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा विंडोज़ एक्टिवेट हुआ कि नहीं। देखिए एक्टिवेट हो गया, यही अगर विंडोज़ 8 भी रहता या 10 भी रहता कोई भी एक्टिवेट हो जाता, विंडोज़ अल्टीमेट एक्टिवेट नहीं होगा सिर्फ।